हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू यू। तो इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर, चैप्टर वन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास सेवेंथ टॉपिक, राइट। सो अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं फटाफट से। हमने उस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में देखा न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक हैं वो, तो वो खाना कैसे प्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस हमने देखी, ट्रांसपिरेशन देखा हमने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस वीडियो विद एक्टिविटी, ओके। सो एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें दो प्लांट्स लेने हैं। पॉटेड का मतलब होता है जो घर में हम जो पॉट्स होते हैं उनमें जो प्लांट लगाते हैं, जिनको हम इनसाइड भी रख सकते हैं और आउटसाइड भी रख सकते हैं अपनी बालकनी वगैरह में, तो उनको हम कहते हैं पॉटेड प्लांट्स, जो कम मिट्टी के अंदर हम प्लांट रखते हैं, ठीक है। तो जो हमें दो प्लांट लेने हैं, एक प्लांट को हमें डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स, ओके, और एक प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें दोनों प्लांट्स का, सिक्स क्लास में आपको याद है हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट पे हम क्या डालते थे, आयोडीन, तो वो जो आयोडीन था वो क्या कलर चेंज कर लेता था, ब्लू ब्लैक कलर। सेम हमें यहाँ पे करना है, हमें दोनों प्लांट्स में क्या ऐड करना है, स्टार्च ऐड करना है, ठीक है। तो दोनों प्लांट्स में हमें स्टार्च ऐड करना है, स्टार्च का टेस्ट करना है बेसिकली, ऐड नहीं करना, सॉरी, स्टार्च का टेस्ट करना है आयोडीन ऐड करके, ठीक है। आयोडीन ऐड करके हमें स्टार्च का टेस्ट करना है और हमें देखना है कि किस में कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने प्लांट को सनलाइट में रखा तो फोटोसिंथेसिस इसी में होगी, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च प्रोड्यूस होगा, कार्बोहाइड्रेट, तो ये आयोडीन जब टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। बट जो ये प्लांट है जिसको हमने 72 आज तक क्या रखा, डार्क में रखा, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी, तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, हमें इसी प्लांट को कुछ आवर्स के लिए, 3-4-5 आवर्स के लिए अराउंड हमें इसको रखना है सनलाइट में, तो उससे क्या होगा कि इसमें फिर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है, तो हमें उससे क्या पता चल जाएगा कि जो प्लांट सनलाइट में रहते हैं वही प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही प्लांट स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ऐसे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में स्टार्च का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, और सनलाइट में और डार्क में भी हमने टेस्ट कर लिया। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल, राइट। सो ये हमारी एक्टिविटी हो गई। इस एक्टिविटी में हमें एक और चीज़ हमें पता करनी बतानी थी कि कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जो रेड कलर की होती हैं, जिनकी लीव्स ब्राउन कलर की होती हैं, थोड़ी येल्लोइश होती हैं, तो वो वाले प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमने वही प्लांट यूज़ करे हैं और उन्होंने भी फोटोसिंथेसिस करी है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पिगमेंट है, जो उसमें रेड पिगमेंट है, ये सपोज ये रेड 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 पिगमेंट की लेयर है, ठीक है, ये है एक रेड पिगमेंट लीफ के ऊपर, फिर इसके नीचे लेयर है ब्राउन पिगमेंट की, ये है ब्राउन पिगमेंट, और इन पिगमेंट के इनसाइड होता है हमारे पास ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लीव्स बाहर से आउटसाइड से हमें रेड दिख रही है या ब्राउन दिख रही है, दैट डजंट मींस कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। फोटोसिंथेसिस वो करेगी क्योंकि ग्रीन पिगमेंट उनमें है, बस वो थोड़ा सा क्या है, एम्बेडेड है, थोड़ा इनसाइड है, लेयर्स में है, ठीक है। तो वो थोड़ा इनसाइड लेयर में है, बट दैट डजंट मीन कि ये वाला जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। वो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अलग ही फीचर्स हैं, वो कुछ अलग ही बिहेव करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है, इनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया कि कुछ प्लांट्स जो हमें रेड कलर की लीव्स दिखती हैं, ब्राउन कलर की लीव्स दिखती हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हो गई हमारी। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। एल्गी बेसिकली क्या है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट्स की। हमने देखी अलग अलग प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स ट्रीज भी देखे हैं, कॉम्प्लेक्स हर्ब भी देखे हैं, शर्ब्स भी देखे हैं, पर ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट्स की। आपने देखा होगा कि आप बहुत बार जू जाते हो या कहीं पे भी घूमने जाते हो, इंडिया गेट जाते हो, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, स्पेशली जो पॉन्ड वाटर है या जो रुका हुआ पानी है उसके ऊपर। तो ये एल्गी जो है ये ग्रीन कलर की होती है और ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करती है, बिकॉज इसके पास क्या है, ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट, तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये क्या है, ये जो एल्गी है जब इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, अपना खाना खुद प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है।
तो ग्रीन पिगमेंट की वजह से ये भी ऑटोट्रॉपिक है इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से ये वर्क करता है, ओके। सो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के अदर मोड्स प्लांट्स में, ठीक है। पहला क्या है, पहला हमने पढ़ा था मेन हेटरोट्रॉपिक मोड होगा, वो पहला हमने मोड पढ़ लिया ऑटोट्रॉपिक मोड, वो हमने देख लिए सारे ग्रीन प्लांट्स। अब हम देखते हैं वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो कैसे अपना मोड अपना खाना इंटेक करेंगे। ऑब्वियसली बात है हेटरोट्रॉपिक मोड से करेंगे। हेटरोट्रॉपिक मोड के सब तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट सब टाइप है पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक वर्ड का ही मीनिंग होता है जो एक अदर प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर नरिशमेंट, फॉर एवरीथिंग, फॉर वाटर, फॉर मिनरल, फॉर न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग। तो उसको, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट, ठीक है। तो होस्ट प्लांट कौन सा होता है, जो मेन प्लांट है, मतलब बेसिकली जो ग्रीन प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट है जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, वो क्या है, वो होस्ट है। उसके ऊपर ये पैरासाइटिक प्लांट डिपेंड कर रहे हैं और ये उसके ऊपर ही फीड करते हैं उसी उस पर। जैसे बेसिकली हमने देखा है कि हम ह्यूमंस के लिए पैरासाइट कौन है, लीच है, ठीक है, मॉस्किटोज हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, ये हमारे पैरासाइट हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड को सक करते हैं और तब इनको नरिशमेंट मिलता है। सेम द जो कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा एग्जांपल है, ये डिपेंड करता है होस्ट प्लांट के ऊपर, ट्रीज के ऊपर उग जाते हैं बहुत रिंग में चारों तरफ, उसकी ट्रंक पे, उसकी ब्रांच पे, उसकी लीव्स के ऊपर चारों तरफ रोल्ड आउट होते हैं। तो उस ये जो प्लांट है ये पैरासाइटिक है इन नेचर, ओके। नेक्स्ट हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब ही क्या है कि इंसेक्ट खाने वाला प्लांट। इंसेक्ट वर्ड आ रहे हैं यहाँ तक आप देखिए, इंसेक्ट वर्ड, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब इंसेक्ट खाने वाला प्लांट। तो उसका एग्जांपल है पिचर प्लांट। इसमें क्या होता है, जो इसकी शेप होती है वो थोड़ी सी ऐसे होती है और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है और जो इसकी लीव्स है ना वो पिचर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक फ्लैप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी इंसेक्ट यहाँ पे आता है, सपोज ये बी यहाँ पे आई, ठीक है, तो ये बी क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी उसको खाने के लिए, तो वो क्या होगी, जो ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये जो फ्लैप है ये क्लोज हो जाएगा, फ्लैप क्लोज हो जाएगा तो इंसेक्ट अंदर ही रह जाएगा। और वो जो लिक्विड है वो बहुत स्टिकी होता है, वो एक तरीके से एंजाइम है जो उस इंसेक्ट की बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद इसको क्या मिल जाएगा, बेसिकली नाइट्रोजन मिल जाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेसिकली ग्रीन इन कलर होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, बट कुछ जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की इनकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी होती है उनको कवर अप करने के लिए ये जो है ये इंसेक्ट्स को भी इंटेक करते हैं, जैसे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट पे भी फीड करते हैं, ओके। सो ये बेसिकली उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। सो ये इंसेक्ट पे भी फीड करके अपनी उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं और अदरवाइज दे डू फोटोसिंथेसिस एज वेल, ओके। सो अब हम देखते हैं सेक्रोट्रॉपिक प्लांट्स। सेक्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे यूजुअली आपको मिलेंगे। डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या है, कुछ भी जो लीव अगर डिकम्पोज हो रही है या कोई एनिमल है जो डेड हो गया एंड उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो रही है, कोई प्लांट डेड हो गया उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है, तो उसके ऊपर आपको यूजुअली फंजाई और मशरूम मिलेंगे, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सेक्रोट्रॉपिक प्लांट्स, जो बेसिकली फीड करते हैं फंजाई, वो बेसिकली फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो ये बेसिकली किस पे फीड करते हैं, डेड एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस वर्ड का मीनिंग होता है कि मतलब म्यूचुअली साथ में रहना, मिलके, जैसे दो लोग म्यूचुअली साथ में रह रहे हैं और वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, कोई भी किसी को हार्म नहीं कर रहा, उसे हम उसका मतलब होता है सिम्बायोसिस, ठीक है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप कह सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं सिम्बायोसिस, ओके। सो म्यूचुअली साथ में मिल बांट के रहना, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेंस आपको पेड़ के ऊपर मिलेंगे, एक हरा सा शेल होगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली दो हमारे जो इम्पॉर्टेंट हमने पढ़े हैं अभी तक, एल्गे और फंजाई, जो ये ऑर्गेनिज्म है ये साथ में रहते हैं। जो फंजाई है वो एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड कराता है और जो एल्गे है
वो खाना प्रोड्यूस करता है। हमें पता है एल्गे के अंदर ग्रीन ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल है। जब क्लोरोफिल है तो वो खाना खुद प्रोड्यूस करेगा, तो एल्गे खाना प्रोड्यूस करता है, वो फंजाई को देता है, फंजाई उसको सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराता है और उसको शेल्टर देता है, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। तो उसका एग्जांपल है लाइकेंस। तो ये हो गया हमारे पास सिम्बायोसिस म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये हो टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रीप्लेनिश वर्ड का मतलब होता है री एनर्जाइज, ठीक है, दोबारा से रीफिल करना, ये सारी चीजें रीफिल, ओके, रीफिल करना किसी भी चीज को, उसे हम कहते हैं रीप्लेनिश्ड, ठीक है। रीप्लेनिश्ड सॉइल कैसे होगी, जब आपको पता है कि सॉइल के अंदर कोई प्लांट ग्रो करा या हमने क्रॉप ग्रो करी, आप लगा लो वीट, हमने सपोज करो वीट या फिर राइस, राइस का एग्जांपल लेते हैं, राइस किसी फार्मर ने राइस प्लांट किया, राइस प्लांट करने के बाद क्या होगा, सॉइल का न्यूट्रिएंट चला जाएगा सारा। जब सॉइल का न्यूट्रिएंट चला गया तो कुछ टाइम के लिए हमें सॉइल को दोबारा से रीप्लेनिश करना पड़ेगा, रीफिल करना पड़ेगा विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर्स क्या करेंगे, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स या फिर आपने स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एसएसटी में पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है वो थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें क्या है 2-3 महीने आपको सॉइल को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और दूसरी सॉइल के ऊपर इतने प्लांटेशन करनी पड़ती है। बट आजकल इजी वे क्या है, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों की हेल्प से जो फार्मर्स हैं वो सॉइल को रीप्लेनिश कर देते हैं। जैसे कि जब आप राइस उगाते हैं, राइस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइस की ग्रोथ के लिए। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ओके। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स बेसिकली सॉइल में सॉल्यूबल है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो ये एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको फिर जो राइस प्लांट है वो यूज़ कर लेता है और फिर वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया इस फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को मिल जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर हो गया, हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को या एक बार फटाफट से रिकैपिचुलेट करेंगे एंड देन बैक क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो।